हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बनाने वाला एक आरसी ड्रोन या आप इसे आरसी क्वाडकॉप्टर भी कह सकते हो। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिखाई है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फ्रेंड्स, ये ड्रोन बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि ड्रोन की फ्रेम। इस फ्रेम में हमें चार लेग्स एंड एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मिलता है। यहाँ पर हमें चार 1400 केवी की ब्रशलेस मोटर की जरूरत पड़ने वाली है, चार 30 एम्पेयर की एसी, दो क्लॉकवाइज एंड दो काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर्स, एक केके 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर। एक 11.1 वोल्ट की लिथियम पॉलीमर बैटरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि ड्रोन बनाने के कंपोनेंट्स बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वेबसाइट है makerbazaar.in करके। यहाँ पर आपको ड्रोन्स के सारे पार्ट बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएंगे, और इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि गियर मोटर्स, अर्डिनो बोर्ड्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाने के बहुत सारी चीजें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपको साइन अप करना है और जो भी चीजें खरीदने हैं उसे एड टू कार्ट करके बाय करना है। पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई एंड कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो एक बार चेक जरूर करना। एंड इस ड्रोन के सारे कंपोनेंट्स की बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसे भी चेक करना। ओके, तो फ्रेंड जल्दी से हम इस ड्रोन को असेंबल करते हैं। यहाँ पर हम सारे ESC के पावर वायर्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। अब हम ESC को मोटर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे सारे मोटर्स के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बैटरी कनेक्टर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्रोन की फर्स्ट वाली मोटर क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, सेकंड काउंटर क्लॉकवाइज, थर्ड क्लॉकवाइज एंड फोर्थ काउंटर क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। अगर कौन सी भी मोटर गलत डायरेक्शन में घूम रही होगी तो उसके ESC के कौन से भी दो वायर आपस में एक्सचेंज करने पर वो मोटर सही हो जाएगी।
फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लाइट कंट्रोलर के इस बटन का यूज करके हम इसकी सेटिंग करने वाले हैं। राइट वाले पिन को हम ESC कनेक्ट करने वाले एंड लेफ्ट वाले पिन को रिसीवर। यहाँ पर एलेरॉन, एलिवेटर, थ्रोटल एंड रडर के लिए पिन दिए गए और दूसरे वाले साइड पर ESC कनेक्ट करने के लिए पिन दिए। फ्रेंड्स इसके कनेक्शन आप डायरेक्टली डायग्राम को देखकर ही करना। अब यहाँ पर हम ESC के सिग्नल पिन्स कनेक्ट करेंगे। फ्लाइट कंट्रोलर पे जो एरो दिया है वो ड्रोन के फ्रंट साइड को पॉइंट करना चाहिए। अब हम वन बाय वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोटर के ESC फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मोटर्स को प्रोपेलर अटैच करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड मोटर को क्लॉकवाइज प्रोपेलर अटैच करना है एंड सेकंड एंड फोर्थ मोटर को काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर अटैच करना है। सबसे पहले हम फ्लाइट कंट्रोलर को फैक्ट्री सेट करेंगे। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद हम इसमें क्वाडकॉप्टर एक्स मोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका ACC कैलिब्रेशन करेंगे। ACC कैलिब्रेशन करते वक्त हमें इसे किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखना होगा। अब हमें PI एडिटर में जाके एलिरॉन एंड रडर के वैल्यूज सेट करने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी सेटिंग समझना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हमारे सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ड्रोन कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स से मेरे ड्रोन की फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इसे अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं कर पाया, लेकिन मैं जल्द ही इस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपको मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर मुझे फॉलो जरूर करना। यहाँ पर मैं हर किसी का रिप्लाई जरूर दूंगा, तो फॉलो करना मत भूलना। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।